हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। गाइस, सभी को पता है सालार द सागा का रैप अप इस वीक के लास्ट तक कर दिया जाएगा, ऑलमोस्ट शूट खत्म कर दिया जाएगा। और जब भी हम कोई अपडेट या वीडियो शेयर करते हैं सालार के बारे में, तो सभी का एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है, क्या वाकई सालार का कनेक्शन केजीएफ से होने वाला है, क्या रॉकी भाई की एंट्री देखने को मिलेगी। जी हाँ, जिन लोगों का ये क्वेश्चन होता है स्पेशली उनके लिए आज ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वाकई में केजीएफ का सालार द सागा के से कोई ना कोई कनेक्शन है क्या। और कुछ फोटो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि आपको रियल में ये याद दिलाएगा कि यार ये तो केजीएफ चैप्टर 2 का सीन लग रहा है, लेकिन वो है नहीं। अपन सबके बारे में बात करेंगे कि केजीएफ का कनेक्शन सालार मूवी से है या नहीं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई और बहनों, सालार के डायरेक्टर प्रशांत नील सर ने ये सब कह दिया है कि भाई नील वर्ष का हिस्सा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है और काफी उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि यार हम नहीं मानते कि सालार मूवी का कनेक्शन केजीएफ से या केजीएफ का कनेक्शन सालार से हो सकता है। और भाइयों, सालार द सागा और केजीएफ का कनेक्शन आपको देखना हो तो भाई डार्क सिनेमेटिक ग्राफिक देख सकते हैं आप दोनों मूवी का, ठीक है। ये चीज भी अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है तो आप पहले ये फोटो देखिए जो आपको पिक्चर फ्रंट पे दिख रहा है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप ये देखकर बोलेंगे कि यार ये केजीएफ चैप्टर 2 का कोई सीन लग रहा है। जब रॉकी भाई को गोली मार देता है अधीरा, तब आपको ये वाला वाइब आ रहा होगा, लेकिन भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप पहले उनका ड्रेस कोड देखिए, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल जिस तरह केजीएफ चैप्टर 2 में भाई गार्ड बैक साइड पे बंदूक टांगे रखते थे और हाफ कलर की रेड शर्ट कैरी करके रखते थे, और जो मजदूर है उनका भी आप लुक देख सकते हैं। और गाइज, आपने ये जो पिक्चर स्क्रीन पे देखा है ना, तो ये भाई सालार द सागा का पिक्चर है, केजीएफ का नहीं है। आप केजीएफ का एवरी मोमेंट उठाकर देख लेंगे ना, एवरी सीन उठाकर देख लेंगे ना, लेकिन ये सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कोई बात नहीं, आपको दो हिंट से समझ नहीं आया तो मैं थर्ड हिंट पर आ जाता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है केजीएफ चैप्टर 2 में वानरम जो कि केजीएफ का सेनापति था, देन उसी के साथ साथ जो अधीरा था भाई, तो उन दोनों के आप जो ड्रेस कोड देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन सालार द सागा के लीड विलन की बात करें, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन सर की, तो भाई इन तीनों का जो ड्रेस कोड है आपको सिमिलर देखने को मिलेगा गाइस। लेकिन मैं आपको 1000% की गारंटी दे रहा हूं कि केजीएफ का कनेक्शन सालार द सागा से होने वाला है, और उसी के साथ साथ भाई सालार के क्लाइमेक्स में आपको रॉकी भाई का कैमियो भी देखने को मिलेगा। के केजीएफ सालार द सागा एनटीआर 31 और बघीरा भाई नील वर्ष का हिस्सा है। अब बात करते हैं टीजर के बारे में, जो कि भाई ऑलमोस्ट सभी हमको क्वेश्चन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो गाइज, मैं वही बोल रहा हूं, मे के लास्ट वीक तक या थर्ड वीक तक आपको इसका ऑफिशियल टीजर देखने को मिल जाएगा। बाकी यार, सालार द सागा के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, रॉकी भाई के कैमियो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और आपकी क्या ओपिनियन है कि वाकई में केजीएफ का कनेक्शन सालार द सागा मूवी से है या नहीं है, डू लेट मी नो थ्रू कमेंट। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।